जीवन जैसे रुक सा जाता है, इसी को कहते हैं शोक। प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर या प्रिय वस्तु के छूट जाने पर हम सब ने कभी ना कभी शोक का अनुभव अवश्य किया है। क्या शोक अनुचित है? क्या किसी की मृत्यु पर या किसी वस्तु के छूट जाने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए? यदि हमें किसी की मृत्यु का शोक नहीं, किसी वस्तु के छूट जाने का शोक नहीं, तो इसका अर्थ क्या ऐसा नहीं होता कि हमने उस व्यक्ति या वस्तु का मूल्य ही नहीं जाना, उससे प्रेम ही नहीं किया? अवश्य, जहां प्रेम होता है वहां शोक तो होगा ही। फिर भी सदा हमें शोक ना करने की सलाह क्यों दी जाती है? ऐसी सलाह देने वाला क्या हमारी भावनाओं का अपमान नहीं करता? जहां सच्चा प्रेम होता है और उस व्यक्ति या वस्तु से अंतर हो जाता है तो शोक अवश्य होता है, ऐसा हम समझते हैं। किंतु क्या वास्तव में हम शोक और दुख का अंतर जानते हैं? गहराई से विचार करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि दुख गहरा होकर शोक नहीं बन जाता, जहां मोह होता है वहां शोक जन्म लेता है। अर्थात जब जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे सुख का आधार बन जाते हैं तब उसके छूट जाने से शोक उत्पन्न होता है। विचार कीजिए, जब हमारे वृद्ध माता पिता या पितामह, इनकी मृत्यु होती है तो क्या हमें गहरा दुख नहीं होता? क्या बार बार उस माँ बाप या दादा दादी का स्मरण नहीं होता? क्या उनके प्रेम का स्मरण करके हम बार बार आंसू नहीं बहाते? अवश्य, बहुत ही गहरा दुख होता है। किंतु हमारा जीवन व्यवहार नहीं रुक जाता। वास्तव में परिवार के वृद्धों के साथ हमें गहरा प्रेम तो होता है, मोह नहीं होता, क्योंकि हृदय जानता है कि वृद्धत्व के बाद मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हम शोक से घिर नहीं जाते। दुख और शोक दोनों एक से प्रतीत होने वाले दो शब्द हैं, पर क्या दोनों का जन्म अलग अलग कारणों से नहीं होता? विचार कीजिए, दुख का जन्म प्रेम से होता है और शोक का जन्म मोह से होता है। मोह से भरा मन सत्य नहीं देख सकता, किंतु संसार का तो क्रम है कि देर अबेर सब कुछ छूट जाता है, वस्तु हो या व्यक्ति, निकटता है तो अंतर भी होता है। जब हम ये एक बात समझ लेते हैं तो हम ये भी समझ जाते हैं कि जीवन में दुख स्वाभाविक है, शोक अनुचित है। वास्तव में शोक हमारे अज्ञान का ही दूसरा नाम है। इस पर चिंतन